हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने जा रही हूँ, जहाँ पर है रसोई में यूज़ होने वाली शब्दावली। मतलब आज हम जो है फूड टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, टर्म्स यूज्ड इन कुकिंग। कुकिंग में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, टर्म्स यूज़ की जाती हैं और वो टर्म्स आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है पॉइंट करके, या तो फिर इस तरीके से पूछ सकते हैं कि इसका इससे मिलान कीजिए, ठीक है, या एक ऑप्शन दे दिया कि इसका क्या आंसर हो सकता है, इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जितने भी टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। और नोट्स अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए वीडियो के, और उसमें मैंने मेरे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में लेने की प्रोसेस करके एक वीडियो अपलोड किया है, वो वीडियो देखिए। देन आपको मेरे सारे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जितने भी नए हैं पुराने हैं सभी नोट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले बता रहे हैं एपेटाइज़र। एपेटाइज़र क्या होता है? देखो, ये एक तरीके की है जैसे दोपहर के भोजन से पूर्व थोड़ा सा स्वादिष्ट पेय, फल का रस, जीरा, पानी, ठीक है। अ स्मॉल टेस्टी पोर्शन ऑफ फूड और अ ड्रिंक सर्व बिफोर डिनर या लंच। जैसे आप लोग सूप जो होता है ना, ठीक है, सूप क्या होता है? भूख बढ़ाता है। एपेटाइज़र होता है भूख बढ़ाता है, जो कि आपको, आप देखिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में आप लोग खाना खाने जाते हैं या कहीं भी नॉर्मली अगर घर में भी है तो पहले सूप को लेते हैं, जिससे भूख बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसको एपेटाइज़र बोलते हैं। सेकंड है एंड ग्रेटिन। क्या होता है वो? कौन, ये टर्म किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो क्रीम मिला भोजन या वाइट सॉस ब्रेड से ढका हुआ, उसको हम एंड ग्रेटिन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेक। क्या होता है बेक? मतलब अवन में भूनकर खाना। ज़रूरी नहीं आप अवन में ही भूनकर खाएं, किसी भी तरीके से पतीले में भी नमक रख के सेक करके खा सकते हैं, वो चीज़ जो सिकी हुई है, आँच पर सिकी हुई है, ठीक है, जिसको फ्राई नहीं किया है, तला नहीं है, उसे हम बेक कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके केक है या बेक बिस्किट्स हैं, वो सब बेक करके बनाए जाते हैं। बेकिंग ब्लाउंड्स क्या होता है? बेकिंग ब्लाइंड क्या होती है? डोसा या पकौड़े आदि के लिए, अन्य प्रयोजनों के लिए सूखी सामग्री का मिश्रण, लिक्विड है, फेटा हुआ है, ठीक है, वो पेस्ट्री के विदाउट अ फिलिंग, उसे बेकिंग ब्लाइंड्स बोलते हैं। मतलब वो मिश्रण जो कि सूखा है, सूखी सामग्री है या फिर लिक्विड भी, जैसे आपने डोसे का बैटर बनाया, ओके, उसे बेकिंग ब्लाइंड बोलेंगे। नेक्स्ट बीट क्या होता है? बीट मतलब मथना, ठीक है, जैसे आप दही को मथते हैं, चाहे बिजली के बीटर से मथते हैं, चाहे हाथ से मथते हैं मथनी से, उसे हम बीट कहते हैं, फेंटना, बीटना, ठीक है। ब्लॉन्च क्या होता है? ब्लॉन्च टर्म किसके लिए यूज़ की जाती है? खाद को उबलते पानी में रखना, सफ़ेद करने की या छिलका उतारने की विधि, जैसे बादाम की। मतलब जब आपको फूड जो है वो केवल उबलते पानी में रखना है, उसको ब्लॉन्चिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो फूड आइटम्स होते हैं उसकी न्यूट्रिएंट्स ख़त्म नहीं होते हैं, न्यूट्रिएंट्स बहुत हद तक जो है ब्लॉन्चिंग मेथड से बने रहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे सकती हूँ ब्लॉन्च का, आपके ये जो मोमोस बनाया जाते हैं ना, उसको उबलते पानी में ही ढक के पकाया जाता है, तो वो आपके ब्लॉन्चिंग होती है। या कुछ वेजिटेबल्स को केवल, जैसे कॉलीफ्लावर है, फूलगोभी है, उसको सिर्फ उबाल लिया हल्का सा पानी में, तो उससे क्या होता है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ख़त्म नहीं होती है, देन उसको आपने यूज़ कर लिया फूड में। ब्लेंड मतलब क्या होता है? सबको मिला देना। तो कंबाइन ऑल इंग्रेडिएंट्स थ्रोली अंडर वेरी स्मूथ एंड यूनिफॉर्म मे बी डन बाय हैंड और मशीन। ब्लेंड कर लेना, सारा मिक्सिंग कर लेना, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? बॉयल। बॉयल तो सब जानते हैं, उबालना, ठीक है, बॉयल करना 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसको किसी भी चीज़ को बॉयल करना, उबालना। ब्राउन मतलब पकवान को तब तक गर्म करना जब तक कि उसका रंग पीला ना पड़ जाए, जैसे कि अनियन को हम क्या करते हैं? ब्राउन करते हैं, उसको तलते हैं, ब्राउन करते हैं। कैसरोल क्या होता है? कैसरोल तो सब जानते हैं, जिसमें आप ऐसा एक कैसरोल एक तरीके का डिश होता है जिसमें आप रोटी बना के, पराठा बना के पैक करके रख लेते हैं और वो उसमें गर्म रहता है, ओके। नेक्स्ट कोटिंग क्या होती है? आप देखिए, जिस तरीके से किसी चीज़ के ऊपर अंडे की कोटिंग लगाई गई, कोटिंग मतलब एक लेयर लगा देना, बटर की कोटिंग लगा देना ब्रेड के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आटे या अंडे की परत से खाद्य पदार्थ को ढकना, एक कोटिंग लगा देना जिससे कि वो ख़राब ना हो, ठीक है। कोलेंडर क्या होता है? एक ऐसा बर्तन, छलनी होता है जिसमें पीछे छेद होते हैं और ये छानने के काम आती है। नेक्स्ट कंसिस्टेंसी क्या होता है? व्हाट अबाउट इज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी मतलब किसी भी डिश की, किसी भी आपने जो फूड आइटम प्रिपेयर किया है उसकी थिकनेस, उसकी कंसिस्टेंसी, मतलब कितना वो गाढ़ा है, कितना वो पतला है, ठीक है, मिश्रण की मोटाई को मेनली जो है प्रदर्शित करने वाला शब्द। जैसे कहते नहीं, कैसे कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है? थोड़ी थिक रखनी है सब्जी की, ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, लिक्विड नहीं होना चाहिए। क्रीम क्या होता है? वसा और चीनी को फेंटना, इससे वसा मुलायम हो जाती है, मथनी से मथकर क्रीम निकाली जाती है, क्रीम तो सब जानते हैं, ठीक है।
चॉप क्या होता है, किसी भी फूड आइटम्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना, सब्जी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना, उसको चॉपिंग करना बोलते हैं, ठीक है। किसी भी खाद्य पदार्थ को क्यूब्स क्या होते हैं, 12 मिलीमीटर का लगभग छोटे समान टुकड़े जो कि हाफ इंच होते हैं, ठीक है, उन्हें क्यूब्स बोलते हैं। जैसे आइस की क्या होती हैं, क्यूब्स होती हैं। तो ये सब टर्म्स आपको समझनी है, अपने घर में भी इन्हीं टर्म्स को आपको यूज़ करना है कि क्यूब्स क्या है, चॉपिंग करनी है, क्या करना है, ओके। और अगर आप इसको समझेंगे तो एग्ज़ाम्स में भी इससे क्वेश्चंस पूछ लिए आते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। डीप फ्राई तो सब जानते हैं, शैलो फ्राइंग क्या होती है, हल्के तेल में पकाना, है ना। डीप फ्राइंग मतलब जैसे पूड़ी वगैरह तलते हैं तो वो डीप फ्राइंग होती है, गर्म बसा की गहरी परत में खाने को पकाना या तलना, ओके। डाइस क्या होता है, छोटे छोटे क्यूब्स में काटना, 6 मिलीमीटर के साइज़ में काट लेना किसी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल को, एक्चुअल साइज़ में काट लेना, ठीक है। डिसॉल्व करना क्या होता है, जिसमें सारी चीज़ें घुल जाएं, तरल और सूखे पदार्थ का घोल तैयार करना जैसे चीनी और पानी का। नेक्स्ट है डॉट क्या होता है, खाने के ऊपर मक्खन, गिरी, चॉकलेट आदि को छिड़कना, उसे बोलते हैं डॉटेड करना, कि जैसे हमने कोई मतलब केक बनाया उसके ऊपर चॉकलेट्स को थोड़ा सा छिड़क दिया, डॉट कर दिया। नेक्स्ट क्या होता है, डस्ट। डस्ट तो आप समझते हैं ना, डस्टिंग कर देना मतलब वही हल्का सा बुरादा सा छिड़क दिया, चीनी छिड़क दी, डस्ट कर दिया, प्लेट पे भी डस्ट कर दिया। जब हम सर्व करते हैं, कोई चीज़ सर्व करते हैं तो फूड टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ा है फूड से न्यूट्रिशन में, तो वहाँ पे आपकी वे ऑफ प्रेजेंटेशन को चेक किया जाता है कि आप किस वे में फूड आइटम्स को दूसरे के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। देन डस्टिंग कर देते हैं, थोड़ी सी चीज़ को चॉकलेट्स वगैरह से सजा देते हैं, तो डस्ट कर देना, ठीक है, मतलब छिड़क देना किसी भी चीज़ को, आटे चीनी को धीरे से छिड़कना। फैट क्या होता है, मक्खन के लिए प्रयुक्त शब्द मार्गरीन, घी, वनस्पति मार्गरीन का यूज़ जो है आपके पैटीज़ बनाने के लिए किया जाता है, बहुत ही बढ़िया चीज़ होता है ये मार्गरीन। जब पैटीज़ बनाते हैं तो उसके ऊपर जो लेयर्स जो खुलती हैं ना पैटीज़ की, वो मार्गरीन की वजह से ही खुलती हैं, वो एक तरीके का फैट ही होता है, मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल होता है। फोल्डिन क्या होता है, इन दो मिश्रणों को मिलाना, जैसे फेटे हुए अंडे को चम्मच से अच्छी तरह फेटना, उसे फोल्डिन बोलते हैं। फ्राई करना, थोड़ी सी वसा में तलना, फ्राई कर लेना, जैसे कि दाल में तड़का लगाना, जीरा वगैरह फ्राई कर लिया हल्के से छोटे से मतलब लिटिल अमाउंट ऑफ फैट में। गार्निशिंग करना, समझते हैं आप गार्निशिंग करना, खाद्य पदार्थों को सजाना, जैसे कि हमने कोई फूड आइटम बनाया फिर उसको हमने बहुत अच्छे से गार्निशिंग किया, धनिया से, कैरेट से, कुकुम्बर से अच्छे से सजा दिया। ग्लेस करना, पतली चीनी चाशनी से सजाना, जैसे चेरी को सजाना, ग्लेस बोलते हैं उसे, ओके। और ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे ग्लेस की स्पेलिंग है GLACE, यहाँ पे ग्लेज है GLAZE, ग्लेज हो गया। इस ग्लेज का मतलब होता है सिरप या जेली डाल के खाद्य की चमक बढ़ाना, ग्लेजिंग करना, ओके। टू ऐड लश्चर ऑफ शाइन टू अ फूड बाय कोटिंग विद सिरप ऑफ जेली। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है स्टूडेंट्स, ग्रेट करना, ग्रेट मतलब रबेदार बनाना, खाद्य को पीस कर बनाना। ग्रिल करना, ग्रिलिंग तो आप जानते ही होंगे, जो भी आपके नॉन वेजिटेरियन आइटम्स होते हैं उसको सीधे आग पर पकाना या भूनना, इसको बारबेक्यू के बोलते हैं ग्रिलिंग, ओके। भूनना, सीधे आग पर पका देना। ग्राइंड करना, पीस कर पाउडर में बदल देना, जो कि आप मिक्सर में करते हैं, मिक्सी में करते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, ठीक है, पाउडर बना लेते हैं, मसाले का पाउडर, बादाम, किसी भी ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स मतलब छोटी छोटी वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियाँ, जैसे कि तुलसी, सुगंधमय पौधे जो स्वादिष्ट बनाने में काम आते हैं उसे हर्ब्स बोलते हैं, जैसे कि आपकी तुलसी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हॉर ड्यूवर्स, वो क्या होता है, तरह तरह के एपेटाइजर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एपेटाइजर्स है हॉर्स ड्यूवर्स, जहाँ पे आप सूप है या अलग तरीके का ड्रिंक है कुछ भी ले सकते हैं भूख बढ़ाने के लिए। आइसिंग करना, चीनी बढ़ाने की प्रक्रिया, ये स्वयं या परत, प्रोसेस ऑफ कवरिंग विद अ शुगर कोटिंग ऑफ द कोटिंग इट्सेल्फ, ठीक है, अपने ऊपर हो जाना, आइसिंग हो जाना, जैसे शक्कर पारे नहीं बनाते हैं, शक्कर पारे आप देखिए बिल्कुल आइस की तरह तो लगते हैं, उनके ऊपर चीनी की अपने ऊपर से कोटिंग हो जाती है। नेक्स्ट, नीड मतलब आटा गूंथना, ठीक है, डो बनाना। नेक्स्ट है मैरिनेट करना, मतलब खाद्य को तरल में सोखना, जैसे नींबू के रस में, ठीक है। मैरिंग करना, अंडे की सफ़ेदी को फेंट कर मिश्रण बनाना, उसे मैरिंग बोलते हैं, ठीक है, जब अंडे की सफ़ेदी को बहुत देर तक फेंटते हैं। नेक्स्ट है मेल्ट करना, सब जानते हैं मेल्ट मीन्स पिघलाना, मिक्स करना, सारी चीज़ों को मिक्स कर देना। पेयर करना, काटना या टुकड़े करना, पेयर बना लेना, टू कट ऑफ द आउटसाइड स्किन विद अ नाइफ। अब आप यहाँ पे समझिए, पीलिंग करना क्या होता है, पीलिंग मतलब होता है छीलना, जिस किसी की छिलका उतार देना, ठीक है, वो होता है जैसे नारंगी ऑरेंज का हम क्या करते हैं, और बनाना का क्या करते हैं, ऊपर का छिलका ही उतार देते हैं,
और पेयर का मतलब होता है जब हम आउटसाइड स्किन विद अ नाइफ, एग्जांपल पोटैटोज एंड एप्पल्स, पोटैटोज की क्या होता है नाइफ से उसके ऊपर की स्किन को उतार देते हैं, उसे हम पेयर बोलते हैं। और पील हम उसे बोलेंगे जहाँ हम पूरा छिलका उतार देंगे, जैसे देखिए छिलका ही उतार देना, जैसे नारंगी का या बनाना का आप पूरा छिलका उतार के खाते हैं ना, तो वो पीलिंग बोलते हैं उसको। नेक्स्ट स्टेप पैटी क्या होता है, पेस्ट्री की भी सब्जियों को क्रीम सहित भरना पैटी। पिट मतलब फलों का रस निकालना, उसे पिट बोलते हैं। पिथ क्या होता है, फलों में से रस निकालना, फलों से रस सार निकालना, फलों में से रस सार निकालना। टू रिमूव सीड्स फ्रॉम फ्रूट एंड टू रिमूव फिथ फ्रॉम फ्रूट, ठीक है। प्रूफ क्या होता है, सने हुए आटे को फूलने देना तब तक उसका आकार दुगना ना हो जाए गर्म जगह पर रखकर। जब हम किसी भी आटे में, मान लीजिए जैसे आपने उसमें मैदा में वो मिला दिया, कोई भी तरीके का ईस्ट मिला दिया जिससे वो फूल जाता है, डबल हो जाता है, पेस्ट्री वगैरह बनाने के लिए ऐसा करते हैं, आटे को बहुत गूंथ लेते हैं। नेक्स्ट है आपके प्री हीट मतलब अवन को पहले ही गर्म कर लेना, बेक करने से पहले किसी भी चीज़ को थोड़ी देर प्री हीट किया जाता है, ठीक है। देन सॉटे क्या होता है, बसा में तब तक पकाना जब तक ये रंग पीला और मुलायम ना हो जाए, वही चीज़ प्याज और टमाटर को भूनना, सॉटे करना, ठीक है। सिफ्ट करना, छलनी से झाड़ना ताकि मोटा भाग अलग रहे। स्लीवर्स लंबे पतले टुकड़े, जैसे बादाम के लंबे लंबे पतले पतले टुकड़े आप स्वीट डिश में डालते हैं उसे स्लीवर्स बोलते हैं, स्लीवर्स वो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसे करने को स्लीवर्स बोलते हैं। सोक करना, जैसे कि आप हर चीज़ को, जैसे कोई भी साबुत अनाज है उसको सोक करते हैं, ठीक है। तर करना, तरल से थोड़ी देर तक भिगोना, किसी भी दाल को थोड़ी देर के लिए सोक करना। सूफले करना, एक हल्का भोजन गर्म और ठंडा भी हो सकता है। अ लाइट डिश इन कॉर्पोरेटिंग अ लॉट ऑफ एयर, इट कैन आइदर बी अ हॉट बेक डिश और अ कोल्ड वन। स्टीम, भाप में पकाना, उबलते पानी की निकलती हुई भाप में पकाना, ओके, जैसे कि कुकर में स्टीम आने देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है स्टूडेंट्स, स्टिर, चम्मच आदि से मथना, जब चम्मच से केवल मथे तो उसको बोलते हैं स्टिरिंग कर रहे हैं, स्टिर कर रहे हैं। टोस्ट तो आप समझते हैं, डबल रोटी आदि को गर्म करके कत्थे रंग तक सेकना, मतलब जो ब्रेड के पीस हैं उसको टोस्ट करना, ओके। टॉस करना, धीरे से मिलाना बिना मथे हुए, जैसे सैलड को। अंटिल सैट, जब तक तरल पदार्थ गाढ़ा ना हो जाए, जेली या कस्टर्ड आदि के संबंध में। और व्हिप मतलब जल्दी जल्दी फेंटना, जैसे अंडे की सफ़ेदी को, मक्खन को बहुत जल्दी जल्दी फेंटते हैं तो व्हिप करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, मैंने जो है टर्मिनोलॉजी समझाई आपको, जो भी हम किचन्स में यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इससे क्वेश्चंस पुट हो जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरीके से टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी भी अपलोडेड है, उसको भी आप देखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।